मैं कल्याणी दुबे गुरुवाटिका में आपका स्वागत करती हूँ। मैं शार्दूल वीरक्रीडितम् छंद में सरस्वती वंदना कर रही हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनिं वीणा पुस्तक धारिणिं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों और लाभांशों का उपहार दिया है। विरासत में मिले इन छह ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। यूं तो माघ मास हम सनातनियों के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है तथा ऋतु परिवर्तन के कारण पर्वों को मनाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वसंत पंचमी माघ मास की पंचमी तिथि के दिन पड़ता है। इसे माघ पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान चेतना कला स्वर और शब्द का संचार करने वाली माँ सरस्वती का अवतरण दिवस भी होता है। वसंत के आगमन से मनुष्य पशु पक्षी वनस्पति उल्लास से भर जाते हैं। कपकपाने वाली शीत ऋतु के बीत जाने और मनमोहक मौसम के प्रारंभ होने से वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। आम के वृक्ष पर मंजरी आ जाती है। वनस्पतियों और पेड़ पौधों में नई कपोले आने लगती हैं। प्रकृति हरी भरी हो जाती है। सरसों के फूल मानो स्वर्ण के सदृश दिखाई देने लगते हैं। प्राचीन समय से वसंत पंचमी के दिन से ही विद्यारंभ करने की परंपरा रही है। कुछ जगहों पर इसे विद्यारंभ पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, जिस कारण से शिक्षक छात्र किसान संगीतज्ञ कलाकार इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रामायण के अनुसार वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए दंडकारण्य वन में शबरी के आश्रम में पहुँचे थे, इसलिए आदिवासी लोग भी इसे धूमधाम से मनाते हैं। ओम तत् सत् या कुंदेन्दु तुषार हर धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत भेर देव ही सदा वंदिता सामा पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यां पहा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।